अल्लाक एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं जी आप सब मेरे आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी अलहमदिल्ला आप सब की दुआएँ से बिल्कुल ठीक हैं अच्छा जी आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह सहरी के टाइम से और आज इन ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने रमज़ान के पूरे दिन के रोटी तो यहाँ पे जी अभी शहरी का टाइम था और आज मज़े की बात आपको बताऊँ आज ना मेरी आँखें ही नहीं खुली थी ना और हम शहरी के लिए काफ़ी लेट हो गए थे अभी बज रहे थे चार ना तो एकदम से मेरी आँख खुली चार बजे तो मैंने कहा यार लाइए क्या आज तो आँख ही नहीं खुली एक्चुअली होता है ना आए रात को बहुत तंग करती है कभी कभी ना तो अभी तो वैसे भी इन दिनों से बुखार था तो बहुत ज़िद्दी और चिड़चिड़ी भी हुई थी तो रात को फिर से इसे सोने नहीं होता और मैं अलार्म भी लगा के सोती हूँ और जो मेरी अम्मी है ना माशाल्लाह से वो भी ना रेगुलर कॉल्स करती हैं और मेरे हस्बैंड के अबू जो है ना वो यहाँ से ना वो उनके मोबाइल पे मिस कॉल्स देते हैं सैरी के टाइम पर मेरी अम्मी जो है वो मुझे मिस कॉल्स देती रहती हैं भी किसी का रोज़ाना मिस हो पर आज पता नहीं क्या हुआ था उन सब की इतनी कॉल्स करने के बावजूद और अलार्म के बोलने के बावजूद भी ना मेरी आँखें नहीं खुली थी बस इतफ़ाकान चार बजे ना मैं उठी तो फिर मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे शहरी बनाना स्टार्ट की थी और आपने देखा होगा मैंने यहाँ पर जो फ्रोजन पराठा बनाए हुए थे ना बस उन्हीं को मैंने जल्दी जल्दी फ्राई किया था और दो कप चाय के बनाए थे और जल्दी से बस जो रात वाला सालन था उसी को गर्म किया था और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने ना बैठ के बस जल्दी जल्दी सहरी कर ली थी तो बस बीस मिनट रह गए थे यहाँ पे ना शहरी का टाइम ख़त्म होने में और इसी वजह से मेरी आज तहजद की नमाज़ भी रह गई थी वरना ऐसा होता है ना मैं साढ़े तीन एक बजे उठती हूँ और सबसे पहले तो हजत की नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद ना मैं सहरी की तैयारी करती हूँ और फिर न, सहरी खा खाकर और फिर फज़र की नमाज़ और सुपारा वग़ैरह पढ़ने होता है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बस मैंने दो पराठे बनाए थे और अब मैं गर्म कर रही थी सालन रात में ना मैंने चिकन का सालन बनाया था चिकन कढ़ाई बनाई थी तो बस वही जल्दी से मैंने गर्म किया था और फिर खा पी के तो नमाज़ वगैरह पढ़ के हम सो गए थे और अभी यहाँ पे सुबह का टाइम था और अब मैं स्टार्ट हो गई थी जी घर के काम करने और बस आज डेली की रूटीन शेयर करनी थी कि रमज़ान में जो है वो कैसे सारा दिन गुज़रता है तो अभी ना मैं बेड की चादरी वगैरह चेंज कर रही थी और आज थोड़े से कपड़े भी धो लिए थे मतलब एक्स्ट्रा काम जितने थे ना वो मैंने कर लिए थे ना क्योंकि आज अफ्तारी के टाइम पर ना मुझे कुछ इतना ख़ास एहतम नहीं करना था मेरे हस्बैंड की अफ्तारी ना आज बाहर थी दोस्तों के साथ तो फिर मैंने सही सोचा कि चलें आज इतना ख़ास कोई इहतमाम होना नहीं है मैं खुद अकेली ही थी मेरा ही सिर्फ रोज़ा था बच्चे तो इतने कुछ खाते पीते हैं नहीं तो इसलिए मैंने ना इतना कोई ख़ास एहतमाम नहीं किया था बस सिंपल सा एक सालन बना लिया था और उसके अलावा ना बस मैंने पकौड़े फ़्राई कर लिए थे अपने लिए बच्चों के लिए बच्चे पकौड़े ज़रा शौक से खा लेते हैं तो ये भी जी मैं बैठ की चादरें चेंज कर रही थी और उसके अलावा जो है वो बाकी घर के काम थे अच्छा रोज़ा रखिए ना जो डेली बेसिस पे घर के काम होते हैं ना वो करना काफ़ी मुश्किल होता है सारी बात है एक तो आपका रोज़ा होता है और फिर माशाला से बच्चों को भी संभालना होता है घर के सारे काम करने होते हैं किचन को संभालना होता है तो काफ़ी मुश्किल होता है लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि अगर आप अपने कामों का एक टाइम टेबल बना लेना एक शेड्यूल के हिसाब से अगर आप चले ना कि आपको पता होना चाहिए हाँ ये काम हमें इस टाइम करना है और ये इस टाइम तो बड़ी आसानी हो जाती है सारे काम भी हो जाते हैं और आप जो है वो जल्दी टाइम पे फ्री भी हो जाते हैं तो अभी यहाँ पे बैठ की चादर जो हम मैंने चेंज कर ली थी और ये देखिए सोफ़े पे ना कपड़ों का ढेर लगा हुआ था आ, कुछ जो है वो थे धुले हुए कपड़े थे वॉश किए हुए वो भी बस मैंने ऐसी तार से उतार के यहीं पे फेंक दिए थे और कुछ जो है वो बच्चे रात को गए थे हम लोग रात को ना वैसे ही चक्कर लगाने गए थे बाहर तो बस एक मॉल पर चले गए और वहाँ से इतफाक़ करिए हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर ली ना शॉपिंग इन शुरू अभी आगे मैं आपको दिखाती हूँ शेयर करती हूँ आ, इतनी कुछ खास नहीं थी बस जो है बच्चों की कुछ सैंडल्स ली थी क्योंकि आगे ईद आ रही है तो अभी से अगर हम शॉपिंग स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी कम्प्लीट हो जाएगी तो बच्चों के कुछ ड्रेसेस जो है ना वो तो मैंने पहले ही ले लिए थे पिंडी गई थी मैं अपनी अम्मी की तरफ तो वहाँ से मैंने कुछ ड्रेसेस ले लिए थे और उसके अलावा जो है अभी कुछ जो है वो लास्ट डेज में लूँगी और सैंडल्स लेनी थी इनकी और अपनी भी मुझे सैंडल लेनी थी तो फिर जो है एक पहले एक मॉल में गई तो वहाँ पर मुझे एक ड्रेस पसंद आ गया काफ़ी तो जिसका आजकल आई थिंक काफ़ी फैशन भी चल रहा है मैक्सीज़ का तो वह बस मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने ले ली और उसके अलावा फिर हम गेजिए कॉला पे तो वहाँ पे सैंडल्स काफ़ी अच्छी अच्छी थी तो फिर मैंने भी ली अपनी और बच्चों के लिए ली आ, इनके बाबा ने ली तो कि मैं पूरी फैमिली ने ही वहाँ से सैंडल्स ले लिए थे जो मैं अभी आगे ना आपसे शेयर करूँगी आपको दिखाऊँगी मैं आ, अपनी सैंडल तो मुझे बड़ी पसंद आई थी ना और मज़े के बाद के सब ने ही अपनी अपनी फेवरेट ली थी और शमान को जो अच्छी लगी उसने वो ली उस माविया ने भी अपनी पसंद की ली थी और इवन के आयत ने भी अपनी फेवरेट सैंडल ली है उसके लिए जो मैंने पसंद की थी उस मैडम ने इनकार कर दिया नहीं और उसे जो अच्छी लगी उसने उस पर फिंगर रखी और फिर हमने उसे वही ले कर दी तो ये जी यहाँ पे साथ साथ घर के काम भी हो रहे हैं मैं चीज़ें वगैरह समेट रही थी और झाड़ू लगा रही थी पूरे घर से और उसके बाद मुझे किचन में जाना था किचन अभी जो है वो वैसे ही पड़ा हुआ था रात को बताया था हम बाहर चले गए थे तो फिर किचन को समेटना ही नहीं था मैंने और अभी जो है पहले घर की सफाई करनी थी मुझे और उसके बाद ना फिर किचन में जाना था तो ये देखिए जी सोफ़े पे ढेर लगा हुआ है शॉपर्स का और ये पहले हम ज़रा घर के काम कर लें घर को साफ़ कर लें तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी अच्छा आज की वीडियो के एंड में भी ना एक बड़ी मज़ेदार सी चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरा भांजा है माशा से उसकी एज है अभी बारह साल ना पर अभी से उसे इंजीनियरिंग का बहुत शौक़ है वैसे तो ना अभी वो कुरान हिफ़ कर रहा है माशाल्लाह ना उसे नित नई चीज़ें बनाने का बहुत शौक है और माशाल्लाह से इतनी अच्छी अच्छी इतनी यूज़फुल चीज़ें बना के लेकर आता है ना कि मैं खुद परेशान हो जाती हूँ और जब भी कोई नई चीज़ वो बनाता है ना तो भागता हुआ नीचे आएगा जल्दी से मुझे दिखाने आनी नहीं ये देखो मैंने क्या बनाया है और आज भी ना उसने बड़ी मज़ेदार से एक चीज़ बनाई है तो मुझे इतनी खुशी हुई जब वो मुझे दिखाने आया तो फिर मैंने उसे मैंने कहा हंसला आप रुको ना बेटा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ ना और फिर मैं सबके साथ शेयर करूँगी कि आपने कितनी अच्छी चीज़ बनाई है तो वो भी वीडियो के लास्ट में ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी आप लोग ज़रूर देखिएगा और उसे अप्रिशिएट करिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं कहती हूँ अगर आपके बच्चे में कोई स्किल है या वो गॉड गिफ्टेड है उसमें कोई ऐसी चीज़ है तो उसे आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए तो कि उसमें इस चीज़ ना ज़्यादा बढ़े और मैंने देखा है ना माशाल्लाह से उसमें ना ये इस चीज़ का शौक है वो नई ऐसी ऐसी चीज़ें बनाता है कि मब अगर आपके साथ शेयर करूँगा ना तो आप लोग परेशान हो जाए कि वो ऐसा माइंड से लेकर आता है पर वही बात वो गॉड गिफ्टेड है बना लेता है अपने दिमाग से कुछ ना कुछ ना वो हमने तो यही सोचा है कि इन जब वो कुरान हिफ़्ज़ कर लेगा तो फिर उसे इसी फील्ड में यानी कि इंजीनियरिंग में ना उसे आगे ले कर जाना है और इन शह उसने नाम भी बहुत बनाना है इस फील्ड में तो ये देखिए जी बातें करने के साथ साथ हमारा घर भी तकरीबन पूरे का पूरा साफ़ हो चुका है और अब बारी आएगी किचन को साफ़ करने की जो कि बहुत एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल सा काम होता है मैं अगर किसी वजह से रात में ना किचन क्लीन ना कर सकूं वैसे तो रूटीन है कि डेली किचन को क्लीन करके सोना है लेकिन अगर कभी ना कर सकूं ना तो सुबह मुझे बहुत टेंशन होती है और रात को वैसे भी जब हम घर आए थे तो आयत को बुखार था और फिर उसने इतना तंग किया कि मैं नहीं कर पाई ना और अभी ये किचन की हशर आप देख रहे थे बर्तन सारे जहाँ वो फैले हुए थे हैर किचन की रूटीन मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि मैं पहले ही बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ किचन साफ़ करने के बाद और ये देखें जी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर माशाला से बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं आज आज संडे है और आज जो है वो इनकी ईद का दिन होता है से फ्री होते हैं ये हर जगह से स्कूल्स पारा और ट्यूशन से और ये देखिए जी अब बारी आती है जी आपसे अपनी शॉपिंग शेयर करने की सबसे पहले तो मैं ना आपको अपनी फेवरेट सैंडल दिखाऊंगी ये तो मैं बस इंटर होती गई थी ना तो मेरी नज़र इस पर पड़ गई थी और मेरी आदत है कि जो चीज़ पहली नज़र में आपके दिल को अच्छी लगे और पसंद आ जाए ना उसको फ़ौर ले लेना चाहिए और मैंने भी इस ऐसे ही किया था ये सैंडल मुझे इतनी अच्छी लगी थी और बस फ़ौन से पहले मैंने कहा था इसको पैक कर दें आप ना और उसके बाद ये आयत की आई थिंक हाँ ये आयत मैडम की है ये पिंक कलर की सैंडल ऐसे इसके जो तो तीन चार मैंने ड्रेसेस लिए ना तो मैंने कहा चले ये एक पिंक में थी एक वाइट में थी वाइट में मैंने ख़ुद ही नहीं ली कि वाइट में जो है ये छोटी है अभी तो फिर गंदी बहुत जल्दी हो जाती है सैंडल तो इसलिए फिर मैंने ये पिंक कलर में ले ली थी और ये मेरे हस्बैंड ने लिए थे शूज़ अपने लिए और उसके बाद थी जी अरशमान और समाविया के सैंडल्स अरशमान साहब ने तो कुछ जो है वो अपनी फेवरेट ली थी ये बड़े मज़े से जब इंटर हुआ ना तो इसको ना एक्चुअली शूज़ बहुत अच्छे लगते हैं ये कहता है मुझे शूज़ लेके दिया करो सैंडल्स नहीं अच्छी लगती मुझे ना तो जब इंटर हुआ तो मैंने से कहा ना मैंने इसके लिए कोई और पसंद की थी तो मैंने से कहा मैं क्या आशमान देखें इतनी अच्छी अच्छी सैंडल्स ना है। कहते हैं मुझे नहीं लेनी सैंडल मुझे नहीं अच्छी लगती और साथ ही इसकी नज़र पड़ गई ना इस सैंडल पर स्पाइडर मैन बना हुआ था एकदम से ना इसने टोटली अपना बयान चेंज कर लिया ममा ने मुझे ये सैंडल पसंद आ रही है प्लीज़ मामा मुझे ये सैंडल ले दो मैंने कहा आशमान अभी तो आप कह रहे थे यार आपको सैंडल्स अच्छी नहीं लगती और आप एकदम से चेंज हो गए तो नहीं मामा प्लीज़ मुझे यही सैंडल चाहिए मुझे ये लेके दो फिर खैर उसे ले करती थी और फिर माँ भी कहती मैं भी अब अपनी फेवरेट सैंडल लूँगी तो फिर उसने भी अपनी फेवरेट सैंडल ली बच्चे बस खुश हो जाएँ तो माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की और कोई बात ही नहीं होती और उसके अलावा ये बस मुझे अपने लिए मैक्सी पसंद आई थी ये वाली और ये एक सिंगल पीस था तो इसके साथ जो है वो टाइट और दुपट्टा फिर मैंने मैच करके लिया था मेरी तो बड़ी कोशिश थी कि जो टाइट मिले ना वो भी ग्रीन कलर में मिले क्योंकि इसमें ग्रीन कलर ना थोड़ा ज़्यादा है पर ग्रीन कलर की मिल ही नहीं रही थी तो फिर जो ब्लू कलर इसमें आ रहा है ना उसके साथ के फिर मैंने टाइट ले ली थी तो ये थी टाइट ये पेंट स्टाइल में थी ना ये मैंने ली थी इसके साथ और ग्रीन कलर का दुपट्टा ले लिया था मैंने दुपट्टा जो है वो काफ़ी सिंपल था खैर सिंपल भी चली जाना है ख़ुद ही कोई अच्छी सी इस पर पीको वगैरह करवा लूँगी तो ये मेरा तो एक सूट जो है वो बन के रेडी है बाकी जो सूट है ना वो सारे आधे अधूरे पड़े हुए हैं फिलहाल ना तो देखें उनको भी कब कंप्लीट करूँगी और फिर इन ताला मैं आपसे शेयर करूँगी वो भी अपनी पूरी ईद की शॉपिंग तो ये अभी ना इस मैक्सी को मैंने हैंग किया था तो मैंने कहा चले हैंग करके मैं आपको इसकी पूरी लुक दिखाती हूँ तो बस ये सब काम करने के बाद मैं अब आ गई थी किचन में दिन का खाना बनाने और मैं आज बना रही थी शलजम गोश और बड़ी आसान सी रेसिपी थी मेरी सारी रेसिपीज़ बहुत आसान होती हैं बस लाइफ को ईजी करना चाहिए ना इसलिए तो अपने लिए कोई काम भी आपको मुश्किल नहीं करना चाहिए जितना हो सके सब कामों को आसानी से किया करें मैंने यहाँ पे किया था प्याज और टमाटर को ना मैंने इकट्ठे ही ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था और फिर ऑयल गरम करके उन दोनों को प्रेशर कुकर में डाल के मैंने इसमें डाले थे सारे मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट बस ये डाल के तो अच्छे से मसाले को भून करना फिर मैंने इसमें डाल दिया था एक गोश्त का पैकेट जो मैंने फ्रीज़र से निकाल के रखा हुआ था और यहाँ पे साथ साथ कुछ मसाले भी ख़त्म हो गए थे बॉक्सेस में तो मैंने कहा चले मैं वो भी डाल लेती हूँ जो काम जैसे जैसे हो जाए साथ, साथ आसानी हो जाती है तो ये देखिए लीजिए मसाला जो है वो कितने अच्छे से भूनने हो चुका है ऑयल इसने छोड़ दिया है तो ये अब मैं इसमें गोश का पैकेट डाल रही थी और तीन से चार मिनट बस मैं इसको हाल ही वो भूनूंगी और उसके बाद ना मैं इसमें पानी डाल के तो इसको सीटी लगा दूँगी प्रेशर कुकर को मैं बंद कर दूँगी तकरीबन तो कहने इसमें ढाई ग्लास के बराबर ना मैंने पानी ऐड किया था और ये देखिए जी अब प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है और यहाँ पे अब डायरेक्ट हम पहुँच गए हैं ये देखिए जी गोश्त काफ़ी अच्छे से गल गया था और आप देख लें इसकी लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी आ रही है पानी भी ड्राई हो गया था तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ ये शलजम जिनको मैंने पहले से ही छील कर काट कर धोकर रखा हुआ था बस ये इसमें ऐड कर दूँगी मैं और पाँच मिनट तक ना अब इसको भी मैं अच्छे से भूनूँगी और इसके बाद मैंने इसमें डाला था कसूरी मेथी डाली थी और थोड़ी सी ना मैंने इसमें ऐड की थी चीनी हम जब भी शलजम बनाते हैं ना मेरी अम्मी भी माशाल्लाह से जब भी शलजम बनाती हैं तो उसमें थोड़ी सी चीनी ज़रूर ऐड करती हैं शलजम जो है ना वो थोड़े से कड़वे होते हैं तो इसमें चीनी ऐड कर दो ना तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है तो बस शुरू से अम्मी भी करती थी तो अब आगे से मैं भी करती हूँ इसके बगैर मुझसे शलजम खाए नहीं जाते तो ये देखिए जी अब अभी कितने अच्छे से भुनने हो चुका है और इसके बाद बस इसमें भी थोड़ा सा पानी डालूंगी जितना मुझे शोरबा करना होगा इसका उतना पानी ऐड करूँगी और फिर इसको भी मैं प्रेशर कुकर लगा के सीटी लगा दूँगी तो आप देखिए जी छटपट सी हमारी हांडी जो है वो बिल्कुल रेडी होगी और यहाँ पे मैं अपने लिए ना ये आलू वाले पकोड़े बना रही थी भी इतने मज़े से कहती है मामा आज पापा घर नहीं है तो पापा के फेवरेट पकोड़े नहीं बनाना मेरे फेवरेट पकोड़े बनाना <laughs> तो मैंने कहा अच्छा बेटा आपके फेवरेट पकौड़े उससे ना ये आलू वाले पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे भी यही अच्छे लगते हैं तो ये था जी आज का एक छोटा सा सिंपल सा वी लोग आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इसके बाद जो वीडियो का पार्ट है वो औरजिनल वाइज में है ये ये मेरा भांजा है माशा से इसका नाम है हंजला इमरान और ये ना है उसका कुरान पार्क पर उसके साथ साथ ना ये माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा इंजीनियर है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है ये और आज मैंने सोचा कि मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी तो और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ दिखाओ हंसला क्या बनाया है बेटा आपने एक्सटेंशन बोर्ड ये एक्सटेंशन बोर्ड है दिखाओ जरा आपने बनाई किससे है ये देखें जी ये एक इसे क्या कहते हैं कार्डबोर्ड का डब्बा है और ये देखें इसने बीच में ये स्विच लगाए हैं और ये और ये क्या है हंसरा वॉट मीटर अच्छा जी चले जी अब हम आपको चेक कराते हैं लगा के और ये देखें इसने ना ये इसके साथ एक ये एक्सटेंशन भी सॉरी तार सी ना एक जोड़ी हुई है इस तरह से तो चले जी अब हम आपको ना लगा के दिखाते हैं हंसला इसको ऑन करके दिखाओ अंदर बटन मैं बटन मैं ऑन उन करूँगी अंदर बटन मैं ऑन करूँगी ये देखिए जी ऑन हो गया अच्छा जी ये क्या बता रहा है थोड़ा साइड पे करो ये वोल्टेज बता रहा है अच्छा कितनी वोल्टेज आ रही है अभी अच्छा टू सिक्सटी वोल्टेज आ रही है अच्छा ये देखिए जी ये अब आपको ये इसमें लगा के दिखाएगा कि ये स्विच ऑन भी होता है इसकी लाइट खराब तो ऑन करो अभी हन् चला इसको ऑन करो ये देखें जी ये आप देखें ये इसने ऑन कर लिया है और नीचे हन वोल्टेज कितनी आ रही है अभी 259 259 की वोल्टेज आ रही है कितना ज़बरदस्त इसने एक्सटेंशन बोर्ड बनाया है इसको अंतला हम इधर लगा देते हैं ठीक है तो ये थी जी आज की वीडियो अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो प्लीज़ मेरे भांजे के लिए एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि उसे और अप्रिसशन मिले और वो और इनक्रेज हो सके